हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के किचन टिप में मैं आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ लेके आई हूँ। मैं क्या लेके आई हूँ, देखिए। सबसे पहले आप देखिए मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में ब्राउन शुगर का डब्बा। तो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि जो भी हमारी चीनी होती है, शुगर मतलब ब्राउन शुगर और वाइट शुगर जो भी होती है, बहुत जल्दी सील जाती है, सीलन पकड़ लेती है। तो इसको सीलन से बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक टिश्यू पेपर लेना है। ये टिश्यू पेपर नॉर्मली सबके घर में होता है, टिश्यू पेपर लीजिए। टिश्यू पेपर में इस तरीके से आप थोड़े से रखिए राइस। ये देखिए मैंने राइस ली है। थोड़े से आपको टिश्यू पेपर में राइस रखना है और इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए ऐसे फोल्ड करके आप इसकी एक पुड़िया बना लीजिए। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करके ऐसे इसकी एक पुड़िया बना ली है। और जो पुड़िया बनाने के बाद इस पर आप एक रबड़ लगा दीजिए, धागे से इसको बांध दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसको बना लिया है और इसको मैंने अपने डब्बे में डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से टिश्यू पेपर के अंदर राइस डाल के फोल्ड करके अगर आप इसको इसके अंदर रखते हैं तो आपकी जो शुगर है आप देखिए बिल्कुल भी सीलेगी नहीं। ये देखिए आपका मतलब बिल्कुल भी शुगर के अंदर जो होता है बिल्कुल भी सीलन पर नहीं आएगा, आपकी शुगर हमेशा ऐसे ही रहेगी। आप यही वाली ट्रिक आप नमक के डब्बे के अंदर भी कर सकते हैं। नमक के डब्बे के अंदर भी अगर आप इसी तरीके से थोड़ा सा राइस टिश्यू पेपर में फोल्ड करके अगर आप इसके अंदर डब्बे के अंदर इस तरीके से पुड़िया बना के अगर आप रख देंगे तो आपकी शुगर हो या नमक हो बिल्कुल भी नहीं सीलेगा। तो फ्रेंड्स, कौन कौन इस ट्रिक को यूज़ करता है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आपको मेरी किचन ट्रिक कैसी लगती है ये भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ये ज़रूर बताइए कि आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, आपने यूज़ की या नहीं की। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक न्यू किचन टिप के साथ। बाय बाय। और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिए।